ये लड़कियों के लिए इतना बड़ा डेंजर है ना, इतना बड़ा डेंजर है, मैं तो कह रहा हूँ इसको बार बार इस्लाम में कन्वर्ट कराओ साला, थोड़ा थोड़ा करके इसका। तो दोस्तों इलियास यादव के दोस्त लक्ष्य हर्षित ने यहाँ पर एक अपना ब्लॉग वीडियो बनाया जिसमें अरमान मलिक और उनकी फैमिली को बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया है। और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, लक्ष्य हर्षित ने यह वीडियो अपने खुद के चैनल के ऊपर डाला जो कि 9 मिनट का वीडियो है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से रोस्ट किया है कि कुछ सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। सबसे पहले एक काम करिएगा, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें उन्होंने रोस्ट। ये भी मानना है कि जो अरमान मलिक है वो बादशाह की तरह दिखता है, मतलब ट्रू, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज के अलावा, बादशाह जो है वो रैप करता है और ये बादशाह भाई सी माइनर्स पे रैप करते हैं और ये माइनर्स का। तो ये किस किताब में देख लिया कि मैं हिंदू से मुस्लिम बनाऊं, मैं हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा जब तक। चलो मान लिया अरमान की तू हिंदू है, पर ये जैद, तूबा, अयान ये भी हिंदू नाम है। अरमान भाई जो पूरी दुनिया को समझता है ना, सबसे बड़ा तू बैंड। और भाई अगर तू मुस्लिम है तो भाई तू खुले में चौड़े होके बोलना कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है? या फिर तेरे को इस बात का डर लगता है कि अगर उन लोगों को तेरा असली रिलीजन पता लग गया तो वो तेरे को बाहर निकाल देंगे? अरे भाई तू अगर मुस्लिम है तो खुल के एक्सेप्ट करना सबके सामने कि हाँ तू मुस्लिम है। या तो मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को इस बात का डर है कि अगर इनको पता लग गया तो ये तेरे को रिलीजन से बाहर कर देंगे, क्योंकि इस्लाम में सुअर तो हराम होते हैं। तो ये लड़कियों के लिए इतना बड़ा डेंजर है ना, इतना बड़ा डेंजर है, मैं तो कह रहा हूँ इसको बार बार इस्लाम में कन्वर्ट कराओ साला, थोड़ा थोड़ा करके इसका पूरा काट दो। तो दोस्तों मैंने कुछ क्लिप्स आपको दिखा दी, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है आप इनके मेन चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी दोस्तों बार बार आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐसे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।